एक बार आइए ना मेरे साथ। आप क्या? वो दो लोग दिख रहे हैं वहां पे। एक काम कीजिए ना, और अगर इसके बारे में किसी को भी बताया दिस इज फॉर यू। ये नील की तरफ से। नील, ओह गॉड, आई लव यू, थैंक यू। ईशा ने दिया है, समझे? Thank you. तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूं मैं रूही। आगे आगे बैठो। आज मिनिस्टर की बेटी का बर्थडे है, गिफ्ट पीछे रखा। मैंने कहा तुम बहुत दिनों से घर में हो, घर से बाहर निकलोगी थोड़ा एनवायरनमेंट चेंज होगा, माहौल बदलेगा, तुम्हें अच्छा लगेगा। घर में वैसे भी क्लॉस्ट्रोफोबिक हो जाता है। थैंक्स डीजे। हर एक बात पूछूं, तुम अचानक से इतने बदले हुए क्यों साउंड कर रहे हो? डोंट गेट मी रॉन्ग रूही, मैं तुम्हारे लिए नहीं कर रहा हूं, मैं बेबी यूजे के लिए कह रहा हूं। नहीं यूजे, मेरे बेटे को एक डैड के साथ साथ एक माँ की भी जरूरत है। मेरे लिए नहीं, पर मेरे बेटे के लिए खुश रहने की थोड़ी कोशिश करो, वो भी खुश रहेगा। Anyway, मिनिस्टर के घर जाना भी जरूरी है। I also want to appear as a good dad. उसको खुश रखना है, बिजनेस के लिए जरूरी है। God, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। How can I forget it? I can't miss the meeting. UJ, I can't miss the meeting. मंत्री के घर भी जाना जरूरी है, उसको डिसअपॉइंट नहीं कर सकता। What do I do? रवि, तुम्हें गाड़ी चलानी आती है? आती है ना? हाँ डीजे, लेकिन मैंने बहुत टाइम से गाड़ी नहीं चलाई है। कोई स्ट्रेस नहीं होगा। See, it's important. I have to attend that meeting. मैं वो meeting miss नहीं कर सकता। तुम UJ को लो, गाड़ी लो, मिनिस्टर के घर जाओ। मैं मीटिंग के बाद तुम्हें वहाँ मिलता हूँ। DJ, please, मैं भूल चुकी हूँ। DJ, do it for UJ. It's fine, DJ. I'll manage. Thanks. I'll see you, my prince. बच्चे का ध्यान रखना रूही।
बेबी यूजर रूही निकल गए मिनिस्टर के घर के लिए. द प्लान इज ऑन. बस ध्यान रहे कि मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए, समझे? बेस्ट ऑफ लक. सुभद्रा बुआ के जरिए ही मैं पता कर सकती हूँ कि डीजे रूही भाभी के खिलाफ क्या प्लानिंग कर रहा है. सुभद्रा जी, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज. ऑनेस्टली आई डिडंट नो कि ये आपकी हॉबी है. अब युक्ति, छोटी सी रिक्वेस्ट है, किसी को कहना मत कि मैं तुम्हें यहां मिली. यू नो आई होप यू अंडरस्टैंड. रिलैक्स, कम ऑन, रिलैक्स. मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, बट प्रॉमिस मी कि आप भी किसी से कुछ नहीं कहेंगी. श्योर? सवाल ही नहीं उठता. बिल्कुल नहीं कहूंगी. वैसे भी ये सब तो अमीरों को जचता है. आई नो राइट. मुझे भी यही लगता है. Oh my God! I finally have a partner in crime. Same to same. हमारी पार्टनरशिप का गिफ्ट. Come on. नहीं नहीं. मैं ये कैसे ले सकती हूँ? कम ऑन सुभद्रा जी, बाकी चीजों की तरह ये भी हमारे बीच में एक सीक्रेट रहेगा. कम ऑन. यू आर सो स्वीट. थैंक यू. यू नो व्हाट, आप मुझे एक विनर लगती हैं. रियली? यू नो, लाइफ में पहली बार मुझे किसी ने इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया. आई टोल्ड यू आर अ विनर. इट्स अ विनिंग कॉम्बिनेशन. सारा लगा दीजिए. सारा के सारा? ऑफ कोर्स. कम ऑन, आपके पास कुछ कमी है क्या? नहीं, लेकिन फिर भी कभी कभी यू नो. एक सीक्रेट बताऊं आपको, हम हमेशा कोई भी डील करने से पहले हमारा बैकग्राउंड चेक जरूर करते हैं. एंड आई नो कि आपको महाजन ग्रुप से 11% के शेयर्स मिले, वो दादा बाबू ने दिए थे, राइट? अरे यार, वो दादा बाबू के साथ चले भी तो गए ना. यू नो, मुझे मेरे 11% शेयर्स अभी तक नहीं मिले. मुझे 7 साल वेट करना पड़ेगा मेरे अपने 11% शेयर्स पाने के लिए. Can you beat this? Ouch! That is so unfair, Subhadra ji. वही तो. ठीक है, DJ थोड़ा सपोर्ट कर देता है और थोड़ा मैं भी उसके कुछ काम कर देती हूँ, जैसे रूही का भी. Subhadra ji, come on, cheers! You're winning. आप कुछ रूही बोल रही थी? रूही? टॉप सीक्रेट है, टॉप सीक्रेट, किसी को नहीं बताना है. यू आर माई पार्टनर, राइट? पार्टनर? यू माई पार्टनर तो एक छोटी सी बात बता देती हूँ. रूही के साथ बहुत बड़ा हादसा होने वाला है. सुभद्रा जी, मैं जो सभी वॉशरूम से. एंड डोंट फॉरगेट अबाउट आवर पार्टनरशिप. आई
डीजे पता नहीं क्या करने वाला है रूही भाभी के साथ, क्यों नहीं उठा रही है रोज वेरा यू, रोज रोज वेरा यू, कब से फोन कर रही हूँ तुम्हें? I'm so sorry मैम, आपका फोन नहीं देख पाई। It's okay, listen to me, घर में रूही भाभी कहाँ है मुझे पता करके बताओ अभी। Okay मैम, दो मिनट दीजिए। Excuse me, रूही मैम कहाँ है? वो यूजी बेबी को लेकर डीजे साहब के साथ किसी बर्थडे पार्टी पे गई है। ओके थैंक यू। रोज व्हाट इज द अपडेट? मैम मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है। नानी ने कहा कि रूही यूजे को लेकर डीजे के साथ किसी बर्थडे पार्टी में जा रही है, पर डीजे तो घर पर ही। मैम रोज, रोज डू वन थिंग, रूही भाभी को कॉल करो और मुझे कनेक्ट करो, आई विल स्पीक टू हर डायरेक्टली। राइट मैम। हेलो रूही मैम, कैन यू हियर मी? आवाज ठीक से नहीं आ रही है। जी मैं महाजन ऑफिस से बात कर रही हूँ, डीजे सर का फोन नॉट रीचेबल आ रहा है, वो आपके साथ है, आप प्लीज बात करवा देंगे? प्लीज कम ऑन, जस्ट गिव मी सम क्लू। नहीं नहीं, डीजे मेरे साथ नहीं है, मैं डीजे की कार लेके किसी बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ, सिर्फ मैं और बेबी हैं। डीजे ने कहा कि वो हमें डायरेक्टली वहीं पे ज्वाइन करेगा, सो आई एम ड्राइविंग। योग, क्या हुआ बेटा? Damn it, अब क्या करूं? रूही भाभी किसी बड़े खतरे में है। योग, क्या हुआ? रो क्यों रहे हो? डायपर गीला हो गया क्या? नहीं, तुम्हें दूध पीना है? एक सेकंड, मम्मा भी दूध दे रही है। नहीं नहीं, एक सेकेंड युग, एक सेकेंड, ये लो दूध ले लो। हेलो, लिसन टू मी केयरफुली, मुझे डीजे की गाड़ी का करंट लोकेशन चाहिए राइट नाउ, जितना जल्दी हो सके प्लीज। ओके युक्ति, आई विल सेंड यू द डिटेल्स राइट अवे। गॉड, रूही भाभी मैं आ रही हूं। बे, बे खोल, बे खोल, दरवाजा खोल। कौन हो तुम लोग, क्या चाहिए? हे भगवान, कौन हो तुम लोग, क्या चाहिए? फोन कर। कल बाहर निकल।
हमें छोड़ दो, जाओ यहाँ से, जाओ। चल मेरे साथ, चल चल। चाबी कहाँ है? चाबी ढूंढो, चाबी नहीं है, चाबी ढूंढो। ठीक तो है? थैंक्स फॉर हेल्पिंग, इट्स ओके। अब ड्राइव कीजिए जल्दी, हमें निकलना होगा यहाँ से। चलिए मुल्तानी। थैंक यू मिस मुल्तानी। तनी कैसे अचानक से ऐसे इतने सारे लोग आ गए? शायद वो युग को किडनैप करने के लिए आए थे। मिस मुल्तानी, आपने हम दोनों की जान बचाई, मैं जिंदगी भर आपके एहसान मंद रहूंगी। अगर युग को कुछ हो जाता ना, तो मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाती, उसके बिना एक पल के लिए भी जी नहीं सकती। और ये लोग मुझे चैन से जीने भी नहीं देते। मेरी बस आपसे एक रिक्वेस्ट, प्लीज मम्मी जी और डीजे, उनको इस बारे में ना पता चले। अगर मम्मी जी और डीजे को पता चल गया मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई है, वो हमेशा के लिए युग को मुझसे छीन लेंगे और मैं ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। रिलैक्स, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, बट प्लीज आपको भी किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। दैट यू नो आई हेल्प्ड यू, सो आई डोंट नो हाउ, बट लकीली मैं वहां पहुंच गई। बट प्लीज टेक केयर। थैंक यू। भाई भाभी, आप कितनी भोली हैं, मतलब अभी भी आपको ये लग रहा है कि ये सब किसी बाहर वाले ने किया है? आपको तो ये अंदाजा भी नहीं है कि आपके आसपास क्या कॉन्स्पिरेसी चल रही है। आज तो मैं वहां पहुंच गई, आपको बचा लिया, लेकिन ये एक बार नहीं हुआ, ये बार बार होते रहेगा। ये लोग रुकने वाले नहीं है। मैं सच में कुछ कर पाऊंगी या नहीं? हाँ डायमंड, लक्ष्मी नगर थाने से सब इंस्पेक्टर बात कर रहे हैं। आप कौन हो मैडम? ये तो डायमंड सिंह का नंबर है, राइट? उसके मोबाइल में लास्ट डायल नंबर आपका था, आप पहचानती हैं इसे? जी, पर क्या बात है? आपका नाम? युक्ति मुल्तानी। बट एक सेकेंड, डायमंड सिंह कहाँ है, क्या हुआ है? ये आदमी कल रात मारा गया रोड एक्सीडेंट में।
ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। डायमंड सिंह, तुम मेरी लास्ट उम्मीद थी दादा बाबू के बारे में कुछ भी पता लगाने के लिए। अब मैं दादा बाबू के बारे में कैसे पता लगा? नो 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 नो। Vital reports of Bhanu Pratap Mahajan, age 75, blood group O positive, date 22/2020. ये तो दादा बाबू की रिपोर्ट्स हैं, और इनमें तो He did. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.